या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल कांति द कॉमन मैन में आप सभी का स्वागत है। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी शारदीय नवरात्रि का 6ठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप की देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यह जानिए माँ कात्यायनी की पूजा विधि, आरती, मंत्र और प्रिय भोग के बारे में। नवरात्रि के 6ठे दिन इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ का गंगा जल से आचमन करें, फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें, रोली से माँ का तिलक करें, अक्षता अर्पित कर पूजन करें। इस दिन माँ कात्यायनी को गुहल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें और क्षमा याचना करें। इस दिन माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 6ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। माँ दुर्गा का यह 6ठा स्वरूप बहुत करुणामय है। माना जाता है कि माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की तपस्या को सफल करने के लिए यह रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा के इस रूप का नाम कात्यायनी रखा गया। इसके साथ ही आगे चलकर माँ कात्यायनी ने दैत्य महिषासुर का वध किया तो उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके गंगा जल से शुद्धि करें। अब सबसे पहले माँ कात्यायनी की प्रतिमा अथवा तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर पूजन के दौरान देवी को पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ को पीले रंग की पुष्प, कच्ची हल्दी की गांठ चढ़ाएं, फिर माता को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी के समक्ष आसन पर बैठकर मंत्र दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ अवश्य करें। तपस्या धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारें। पूजा के बाद सभी को प्रसाद बांटें।